हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, या फिर इसको EEZ कंसेप्ट बोला जाता है। अब ये जो EEZ है, इसके EEZ ये वर्ड जो है एक्सक्लूसिव, इसी नाम इस वर्ड से पता चल रहा है कि ये एक्सक्लूसिव है एंड ये किसी भी कंट्री के लिए अपना विशेष होता है, एक्सक्लूसिव होता है, उसके ऊपर सिर्फ उसी का राइट होता है। अब क्या जरूरत हुई इस EEZ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए? लाइक इस मैप के अंदर देखें तो ये इंडिया हो गया, अदर कंट्रीज हो गई एंड इन कंट्रीज को सराउंड करता है सी। तो यहाँ पे जो है कुछ जोन होता है जिसको EEZ बोला जाता है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसी कंट्री का उसके ऊपर राइट होता है, किसी दूसरी कंट्री का राइट नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता था, कुछ कंट्रीज़ क्या करती थी, दूसरी कंट्रीज़ के जो फिशिंग एरियाज़ है या फिर उसके उस कंट्रीज़ के अराउंड जो सी है उसको उसको एक्सप्लोइट करती थी, उसके उस एरिया के अंदर जाके फिशिंग करती थी, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते थे। तो ये जो EEZ है, इसी इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इन्हीं झगड़ों की वजह से बनाया गया। तो जो कंट्रीज़ सुपीरियर थी, जिनके पास अच्छे अच्छे फिशिंग गियर्स थे, फिशिंग क्राफ्ट्स थे एंड सोफिस्टिकेटेड नेविगेशंस थी फिशिंग डिटेक्टिंग सिस्टम के लिए, तो वो क्या करती थी, जो दूसरी कंट्रीज़ है जिनके पास अच्छे खासे ये सिस्टम नहीं होते थे, उन कंट्रीज़ के जो वाटर होते थे वहाँ पर जाके फिशिंग करती थी, वहाँ पे जाके उनकी फिशरी कैप्चर कर लेती थी। तो जिसकी वजह से उन कंट्रीज़ के अंदर झगड़े हुए। तो जो एक्सप्लोइटेड कंट्रीज़ थी, ठीक है, एक्सप्लोइटेड कंट्रीज़ ने मिलकर 1950 के अंदर एक लॉज, कुछ रूल्स एंड कुछ लॉज बनाए गए, जिनको यहाँ पे बाद में जाके EEZ का नाम दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया के EEZ के बारे में देखें, तो इंडिया के EEZ की बात करें तो ये जो एरिया है, इंडिया जो है तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, ये जो एरिया है जो इसके बिल्कुल बेस लाइन के नज़दीक पाया जा रहा है, इसको EEZ एरिया बोला जाता है। तो ये EEZ क्या है, वो सिर्फ इंडिया के लिए ही एक्सक्लूसिव है, और किसी अदर कंट्री का जो EEZ है वो उसी कंट्री के लिए एक्सक्लूसिव है, कोई और दूसरी कंट्री आके इसके ऊपर फिशिंग नहीं कर सकती है, सिर्फ कुछ स्पेशल राइट दिए जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो ये जो एरियाज हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये लाइन शो कर रही है कि ये EEZ के एरियाज हैं, ये EEZ है एंड इसके अलावा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं इनके अराउंड भी ये EEZ पाया जा रहा है। एक और डायग्राम है, ये भी क्लियरली यहाँ पे लाइट कलर में दिखाया गया है कि ये क्या है, EEZ के एरियाज है या फिर इंडियन EEZ के पोर्शंस है। अब इसको डायग्रामेटिकली देखें, ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये लैंड होगी, बेस लाइन हो गई, बेस लाइन से लेकर यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक जो एरिया होता है इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक जो एरिया एक्सटेंड करता है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। इसके बाद जो एरिया होता है उसको हाई सी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे और कंट्री भी हो सकती है, तो उसका EEZ होगा एंड ये जो बच गया है यहाँ पे, EEZ के बाद जो बच गया है सी, वो क्या है, हाई सी उसको बोला जाता है। अब यहाँ पे बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक एक और यहाँ पे एरिया होता है जिसको टेरिटोरियल सी बोला जाता है एंड इस टेरिटोरियल सी तक ही यहाँ पे, इस साइड इनलैंड वाटर होते हैं, इंटरनल वाटर होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनल वाटर होते हैं, तो इस टेरिटोरियल सी तक ही नेशनल एयर स्पेस होता है, इसके बाद क्या होता है, इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है। अब ये 12 नॉटिकल माइल तक क्या होगा, टेरिटोरियल सी होता है। अब इसके 12 नॉटिकल माइल प्लस, यानी कि 24 नॉटिकल माइल तक यहाँ पे क्या होता है, कॉन्टिग्यूस जोन होता है। तो यहाँ पे एक टेरिटोरियल सी होता है, एक कॉन्टिग्यूस जोन होता है एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो सिर्फ इसी एरिया को, इसके इस एरिया को ही क्या करता है, इस एरिया को ही यहाँ पे इंक्लूड करता है, टेरिटोरियल सी को ये इंक्लूड नहीं करता है, टेरिटोरियल सी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा EEZ के अंदर।
ठीक है। और इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है ये भी ईईजेड के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, कॉन्टिगियस जोन ईईजेड के अंदर इंक्लूड होता है। तो इस ईईजेड के अंदर कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं फिशिंग के लिए, वहाँ के मेराइन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे इस डायग्राम में अगर हम देखें इस मैप में, तो बेस लाइन से लेकर यहाँ पे टेरिटोरियल सी होता है 12 नॉटिकल माइल तक। इसके बाद नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 24 नॉटिकल माइल तक होता है कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, कॉन्टिगियस जोन हो गया। एंड इससे बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ईईजेड। तो ये जो ईईजेड है वो लाइक ये इंडिया के ईईजेड की बात करें, इंडियन ईईजेड जो कि इंडिया के लिए ही एक्सक्लूसिव होगा, किसी और कंट्री का जो जोन होगा वो क्या होगा, उन कंट्रीज़ के लिए एक्सक्लूसिव होगा। एंड ये जो इसके बाद का पोर्शन जो बच गया है ईईजेड के बियॉन्ड, इसको बोला जाता है हाई सीज। अभी जो ईईजेड कंसेप्ट है, ईईजेड कंसेप्ट के अंदर अगर हम सबसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखें, तो ईईजेड कंसेप्ट आर द एरियाज ऑफ सी जनरली एक्सटेंडिंग 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम अ कंट्रीज कोस्ट लाइन। एक कंट्री की कोस्ट लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक ये एक एरिया एक्सटेंड होता है, दैट आर रिजर्व टू कंट्रीज कोस्ट अंडर यूएन क्लोज, जो कि यूएन क्लोज के, यानी कि ये एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है लॉ ऑफ सीज के लिए बनाया गया है, इसके अंडर ये क्या होता है, इसके अंडर आता है। एंड इस एरिया के ऊपर एक्सक्लूसिवली उसी कंट्री का हक होता है, उसी कंट्री का राइट होता है, रिजर्व होता है। ईईजेड इज अ सी जोन ओवर विच अ कंट्री हैज स्पेशल राइट्स ओवर द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज। या तो ईईजेड एक टाइप का सी जोन होता है जिसके ऊपर किसी कंट्री के पास स्पेशल राइट्स होते हैं एक्सप्लोरेशन एंड उस उन मरीन रिसोर्सेज जो वहाँ पे पाए जा रहे हैं उनको यूज करने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये डेफिनेशन है ईईजेड की। इसके बाद इसकी कुछ हिस्ट्री है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें यूएन क्लोज की, ठीक है, यूएन क्लोज जो है यहाँ पे एक कन्वेंशन है जिसके जो क्या करती है, जो कि टाइम टू टाइम कुछ केसेस को, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करती रहती है, एंड क्या नया चेंज उसके अंदर करना है, जो लॉज ऑफ सी है उसके अंदर क्या चेंज करना है, क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है, उन सब के ऊपर ये काम करती है। तो 1950 के अंदर सेवरल कंट्रीज यूनिलेटरली इस्टेब्लिश फिशिंग लिमिट्स ऑफ देयर कोस्टल वाटर फ्रॉम 6 to 12 नॉटिकल माइल। एंड ये सेवरल कंट्रीज कौन सी थी, एक्सप्लॉयटेड कंट्रीज थी, जिनको मोर डिवेलप्ड एंड जिनके पास अच्छे अच्छे खासे फिशिंग गियर्स एंड फिशिंग क्राफ्ट्स एंड फिशिंग डिटेक्शन सिस्टम था, उनको यूज करके दूसरी कंट्रीज़ को जो एक्सप्लॉयट करती थी, उनकी फिशिंग को कैप्चर करती थी। तो वो जो कंट्रीज़ थी, जो एक्सप्लॉयटेड कंट्रीज़ थी, जो इन सब चीज़ों को सहन कर रही थी, उन एक्सप्लॉयटेड कंट्रीज़ ने मिलकर यूनिलेटरली एक रुकता से यहाँ पे एक लिमिट सेट की कोस्टल वाटर की, जो लिमिट थी 6 to 12 नॉटिकल माइल तक सिर्फ, किस एरिया के अंदर सिर्फ उसी कंट्री का राइट होगा। इसके बाद 1970 के अंदर इस लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया 200 नॉटिकल माइल तक। एक नॉटिकल माइल जो होता है, एक नॉटिकल माइल इसके अंदर 1.85 किलोमीटर इंक्लूड होता है। तो अबाउट 200 नॉटिकल माइल की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर अबाउट 370 किलोमीटर इंक्लूड हो जाता है। इतना एरिया जो है किसी कंट्री के लिए एक्सक्लूसिव होता है। तो 1970 के अंदर इस लिमिट को बढ़ाकर 6 to 12 नॉटिकल माइल पहले था, इसको बढ़ाकर 200 नॉटिकल माइल कर दिया। अब 1994 के अंदर यूएन क्लोज ने और ज़्यादा इनको इसका सुधार किया, इसको रेक्टिफाई किया। एंड इस यूएन क्लोज के अंडर अबाउट मोर देन 133 कंट्रीज आती हैं। कुछ कंट्रीज इसके अगेंस्ट भी है, जैसे कि रसिया, कनाडा, इजराइल, टर्की, ये कंट्रीज इसके अगेंस्ट आती है, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये लिमिट ये जो सेट की है 200 नॉटिकल माइल की, इसके ऊपर रसिया के ऊपर इसका एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा।
ठीक है, क्योंकि रसिया के पास बहुत ज़्यादा डिवेल्प टेक्निक्स थी, फिशिंग गियर्स थे, नेविगेशन थी, फिशिंग क्राफ्ट्स थे, तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान इस चीज़ के लिए उठाना पड़ा। तो ये हिस्ट्री है जिसके अंडर यूएन क्लोज जो है इनको रेगुलेट करता है। इसके बाद EEZ के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो EEZ एक एरिया है जो कि एडजेसेंट एंड बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी है, ठीक है, टेरिटोरियल सी के एडजेसेंट या फिर उसके बियॉन्ड है। इट कैन एक्सटेंड टू अ लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ 200 नोटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, बेस लाइन से लेकर, किसी भी कंट्री की बेस लाइन से लेकर 200 नोटिकल माइल तक ये एक्सटेंड करता है, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। लेकिन कुछ रिसोर्सेज में मैंने पढ़ा है कि इंडिया ने 2010 के अंदर यूएन क्लोज को एक रिपोर्ट सबमिट की कि, और उसके अंदर इन्होंने क्या किया, उसके अंदर बताया कि ये जो एरिया है 200 नोटिकल माइल का, इसको एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, ठीक है, इस एरिया को एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। लेकिन कुछ रिसोर्सेज के अंडर ये भी दिया हुआ है कि इंडिया का जो EEZ है वो अभी तक कम्प्लीटली उसका एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, कम्प्लीटली उसके अंदर जो फिशिंग है या फिर उसके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज है वो कम्प्लीटली एक्सप्लोरेशन उसका नहीं हुआ है। तो अलग अलग रिसोर्सेज जो है अलग अलग चीज़ें बोल रही हैं। तो ये मैक्सिमम 200 नोटिकल माइल्स तक हो सकता है। इट डज इंक्लूड टेरिटोरियल सी, डजेंट, इट डज नॉट इंक्लूड टेरिटोरियल सी एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ बियॉन्ड 200 नोटिकल माइल। अब यहाँ पे जो टेरिटोरियल सी है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, डायग्राम के अंदर हमने देखा था। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है 200 नोटिकल माइल के बियॉन्ड, वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन जो कॉन्टिगियस जोन है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। विद इन EEZ कंट्री के पास कुछ राइट होते हैं अपने उनके उस एरिया के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग हो सकते हैं, उनको यूज करने के लिए। इट ऑल्सो हैज़ टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर कंट्रीज इन EEZ सच एज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसके ऊपर राइट तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरी कंट्री को और किसी चीज़ का राइट नहीं देगा, जैसे कि नेविगेशन का राइट हो गया। तो ये भी यूएन क्लोज ने कुछ लॉज बनाए गए हैं जिसके अंडर इन सभी राइट्स की भी किसी भी कंट्री को रिस्पेक्ट करनी होती है दूसरी कंट्रीज के लिए। इसके बाद क्या राइट्स होते हैं किसी भी कंट्री के EEZ के अंडर। सबसे फर्स्ट तो एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोइट करना, कंजर्व एंड मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज वेदर लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग रिसोर्सेज है, नॉन लिविंग रिसोर्सेज है, उनको एक्सप्लोर करना, उनका एक्सप्लोइट करना, कंजर्व करना एंड मैनेज करना, ये किसी भी कंट्री के राइट होते हैं EEZ के अंदर। सेकेंड इज द स्टेबलीज एंड यूज आर्टिफिशियल आइलैंड्स स्ट्रक्चर एंड इंस्टॉलेशंस। वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर का या फिर आर्टिफिशियल आइलैंड का इंस्टॉलेशन का एस्टेब्लिश करना, उनको यूज़ करना, ये भी राइट आता है EEZ के अंदर। कंडक्ट मेराइन रिसर्चेस, ठीक है, मेराइन रिसर्चेस को कंडक्ट करना भी इसके अंडर आता है। इसके अलावा जो मेराइन एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने का राइट भी किसी भी कंट्री के लिए EEZ के अंडर आता है। तो ये कुछ राइट्स हैं जो कि जो कंट्री EEZ के अंडर आती है उनको फॉलो करने होते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे बात की कि जो कोई भी कंट्री है वो क्या कर सकती है, आर्टिफिशियल आइलैंड इस्टेब्लिश कर सकती है, उसको यूज़ कर सकती है। तो इसके अंदर एग्जांपल है आर्टिफिशियल आइलैंड का इंडिया के अंदर विलिंगडन आइलैंड है कोची केरला के अंदर। ये जो आइलैंड है सिग्निफिकेंट एज द होम फॉर पोर्ट ऑफ कोची, पोर्ट ऑफ कोची के लिए, एज वेल इन कोची नेवल बेस, सदर्न नेवल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी, प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन। क्योंकि दूसरी कंट्री से जो हम प्लांट इंपोर्ट करते हैं, लेके आते हैं, वो क्या किए जाते हैं, कुछ टाइम के लिए उनका क्वारंटाइन किया जाता है। तो ये एक तरह से जो वाटर के थ्रू यहाँ पे आएंगे प्लांट्स, यहाँ पे क्वारंटाइन स्टेशन होता है प्लांट्स के लिए कि उनके अंदर कोई इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है या फिर उनके अंदर कोई पेस्ट नहीं है, तो ये भी देखा जाता है। कस्टम हाउस कोचिन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी एंड अ कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ आई सी
AR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये सभी चीजें इसके अंडर आती है। ये सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे पोर्ट ऑफ कोची, कोची नेवल बेस, सदर्न नेवल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी, प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन, कस्टम हाउस कोचिन, इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे फिशरीज टेक्नोलॉजी का, एंड ICAR का भी एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट यहाँ पे है। इसके अलावा कोचिन पोर्ट मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम भी इसी जगह के ऊपर लोकेट करता है, तो ये सिग्निफिकेंट है यहाँ पे विलिंगडोन आइसलैंड कोची के अंदर जो है। एक और एग्जाम्पल है पाम जुमेरा का, जो कि आर्किपिलेजो है। आर्किपिलेजो क्या होता है, छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है, तो ये आर्किपिलेजो है ऑफ द आर्टिफिशियल आइलैंड ऑन द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ गल्फ के अंदर ये है, जुमेरा दुबई UAE के अंदर। तो ये जो है ये पाम की शेप के अंदर है, ठीक है, पाम की शेप के अंदर ये पाम जुमेरा नाम का ये एक जो है आर्किपिलेजो है, या फिर हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो जिसके ऊपर दुबई की बहुत सारी इकोनॉमी या फाइनेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है। तो ये दो एग्जांपल है यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स के। इसके बाद इंडियन EEZ यानी कि इंडियन का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन केम इन टू फोर्स थ्रू द 41 अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 298 इन 1976। अब यहाँ पे आर्टिकल 298 आया 1976 के अंदर, जिसके अंदर 41 अमेंडमेंट के अंदर ये जो इंडियन EEZ है वो अपनाया गया। अब इस इंडियन EEZ इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है कि अबाउट 2.02 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर इंडियन EEZ का एरिया है, एंड 2/3 ऑफ द इनलैंड एरिया ऑफ द कंट्री, एंड 2/3 इनलैंड एरिया जो है कंट्री का वो भी ये कवर करती है। एंड इसके अंदर यहाँ पे इस इनलैंड एरिया का 0.86 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर आता है वेस्ट कोस्ट के अंदर, एंड जो ईस्ट कोस्ट है इसके अंदर आता है 0.56 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर, एंड नेक्स्ट जो बच गया है अंडमान निकोबार के अराउंड आता है 0.60 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर। तो ये सब एरिया जो है ये इंडियन EEZ का है। इंडियन EEZ के अंदर मेन स्पीसीज पाए जाते हैं ट्यूना, एनकोविज, पर्चेस, रिबन फिश, लिजार्ड, कैटफिश, शार्क, रेज, स्केट्स के, कटल फिश, बाइवॉल्व, श्रिम्स, लोबस्टर, क्रैब्स, ये सब चीज़ें मेन स्पीसीज इस इंडियन EEZ के अंदर पाई जाती है। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 2000 के अंदर ये प्रोडक्शन था 3.934 मिलियन टन्स, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2011 के अंदर ये बढ़ के हो गया 4.412 मिलियन टन्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेप्थ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन की डेप्थ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अप टू 100 मीटर तक ये पाया जाता है 3.821 मिलियन टन। इसके बाद 100 टू 200 मीटर तक ये पाया जाता है 0.259 मिलियन टन्स, 200 टू 500 मीटर तक भी पाया जाता है 0.115 मिलियन टन्स, एंड अबाउट 500 मिलियन मीटर ये पाया जाता है 0.217 मिलियन टन। तो यहाँ पे अगर हम देखें अप टू 100 मीटर तक ही यहाँ पे मेनली फिशरी कैप्चर पाया जाता है, फिशरी प्रोडक्शन पाया जाता है। बिलो इसके बाद 100 मीटर की डेप्थ के नीचे यहाँ पे क्या पाया जाता है, प्रोडक्शन बहुत कम पाया जाता है। इसके बाद इंडियन के अंदर टाइम टू टाइम कई लॉज आए हैं, तो 1991 के अंदर डीप सी फिशिंग पॉलिसी लाई गई थी। इसके बाद 1998 के अंदर नेशनल फिशरी पॉलिसी लाई गई, जिसके ऑब्जेक्टिव्स थे कुछ, एक तो फिशरी प्रोडक्शन को एनहांस करना, उसको इंक्रीज करना, पॉवर्टी एलिवेशन करना, गरीबी उन्मूलन करना, क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फिशरी बढ़ेगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक्स कंडीशंस ऑफ द फिशरमैन, एंड जो मछुआरे हैं फिशरमैन हैं उनकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करना, फुलफिल द डिमांड फॉर एनिमल प्रोटीन, एंड जो एनिमल प्रोटीन की डिमांड है उसको पूरा करना, अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू अर्निंग फॉरेन करेंसी बाय एक्सपोर्टिंग फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स, फिशरीज के अंदर इन्हांसमेंट होगा तो हम दूसरी जगह पे फिशरीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो उससे जो करेंसी आएगी उसके अंदर भी क्या करना है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। इसके अलावा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना, पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करना एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इस नेशनल फिशरी पॉलिसी की। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव इन सब चीज़ों के लिए नेशनल फिशरी पॉलिसी जो है इंडिया के अंदर लागू की गई 1998 के अंदर, जो कि यूएन क्लोज के अंडर आती है। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी NIO हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस टू एक्सप्लोर द इंडियन EEZ इन कोलेब्रेशन विद अदर नेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कि NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, NCAOR इन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च वास्को गोवा के अंदर है, जो कि एंड GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़। तो इन सभी के कोलेब्रेशन के साथ NIO ने क्या किया है, इनिशिएशन की है प्रोसेस की जो इंडियन EEZ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सभी क्या करती हैं, जो भी EEZ है उस एरिया को एक्सप्लोर करती हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है EEZ के बारे में, क्यों EEZ आया, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्या हिस्ट्री है EEZ आने की, इसके अलावा क्या राइट्स होते हैं किसी भी कंट्री की जो कि EEZ को फॉलो करती है, इंडियन EEZ के अंदर क्या एरिया आता है, क्या स्पीसीज आती हैं एंड क्या प्रोडक्शन आता है। तो यहाँ तक हमने ये EEZ कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।